अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसके बारे में अभी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बात करने में हर्ज ही क्या है अगर ये बात मैंने बता दी, क्योंकि इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है। कुछ ऐसी हैपनिंग हो सकती है आने वाले दिनों में कि एशिया कप पाकिस्तान में ना हो और ये दुबई के अंदर हो। इस बारे में और इस चीज़ का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट ऑफ व्यू की हिमायत की है पाकिस्तान के क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने, जो इस वक्त पाकिस्तान के जो कमेंट्री पैनल के अंदर हैं और पाकिस्तान की कोचिंग के अंदर भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं और माजी के मायनास ऑलराउंडर हैं अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने मैग्रा को 5 बॉलों पर 5 चौके मारे थे और जारियाना बल्लेबाज हैं, अच्छी बॉलिंग करते थे और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने काफ़ी आउट किया था। वो अब्दुल रज़ाक ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप के अंदर मैच है, या एशिया कप को ही दुबई मुंतकिल कर देना चाहिए। और इस बारे में सिर्फ अब्दुल रज़ाक नहीं कह रहे, इस बारे में चर्चा भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि क्रिकेट के मामलात को जो है ना, हम ज़्यादा महाजराई और जंग करने और या इस तरह की कोई चीज़ें पाकिस्तानी आवाम जो है ना नहीं चाहती, और इंडिया वाले बेशक चाहें या ना चाहें, उनकी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आप इसको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर कर लें। और याद रहे कि एशिया कप 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 का एशिया कप भी इंडिया से यूएई गया था, और ये मुद्दा, ये इस बात को लेकर पाकिस्तानी लोग जो हैं और पाकिस्तान की जो बड़े लोग हैं जो इस बारे में थिंक रखते हैं, तो सोचते हैं और जो इस बारे में फैसला करना चाहते हैं, वो इस जानिब गौर कर रहे हैं कि एक वक्त में इंडिया ने भी एशिया कप को दुबई या यूएई मुंतकिल किया था 2018 के अंदर, तो इसलिए हम लोग भी एशिया कप, अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो हम लोग जो हैं वो एशिया कप मुंतकिल कर देते हैं यूएई के अंदर। और हो सकता है इसके लिए 90% इम्कान ये हैं, चांस ये हैं कि दुबई के अंदर एशिया कप का इनेकाद किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं इंडिया के और सारे खिलाड़ी जो हैं, वो ये कहते हैं कि एशिया कप के अंदर अगर इंडिया नहीं होगा, अश्विन नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा और विराट कोहली नहीं होगा, तो पाकिस्तान को और एशिया कप को इतने स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। ये इनकी सोच है और इनकी खाम ख्याली है, या फिर इनकी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया की टीम के बगैर पूरी दुनिया के अंदर कोई टूर्नामेंट नहीं होता जो कामयाब ना हो, इसलिए इंडिया को डालना ज़रूरी है। ये एक ऐसा पागलपन का दौरा होता है किसी नेशन के अंदर या किसी शख्सियत के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, कि वो जो है उसका इलाज जो है ना वो मुमकिन नहीं होता। ये थिंकिंग जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर एज अ नेशन और एज अ गवर्नमेंट पाई जा रही है, और इसके ऑफिशल्स बराह रास्त इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इंडिया जिस चीज़ के अंदर नहीं होगा वो चीज़ कामयाब नहीं होगी। आप माजी के अंदर बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं और अब भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट के अंदर लेकर कि इंडिया जिस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता वो बहुत हाई फाई हिट होती है, उसके अंदर पैसे भी कमाए जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इंडिया इंडिया है और इंडिया जिस चीज़ के अंदर नहीं होगा वो चीज़ जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इस पागलपन के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी बातें करने से फ़ायदा नहीं है किसी पागल को समझाने से, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने टॉपिक के ऊपर रहें। एशिया कप दुबई के अंदर हो सकता है, और अगर दुबई के अंदर हुआ तो इंडिया के सारे खदशात जो हैं वो दूर हो जाएंगे, और इस बारे में चर्चा हो रही है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और अब हो सकता है मार्च के महीने के अंदर जो ACC की मीटिंग होगी उसके अंदर पाकिस्तान इस मुद्दे के ऊपर आमादा हो जाए कि एशिया कप जो है वो हम दुबई के अंदर करवाना चाहते हैं और करवा सकते हैं अगर इंडिया के रिजर्वेशन है, इसलिए इस बात को देखते हुए। और अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर क्या स्टैंड लेगा, इस बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करते रहेंगे। लेकिन एशिया कप के हवाले से जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, इस हवाले से थोड़ी बहुत मुझे सुनगुन लगी थी और कुछ सोर्सेज की जानिब से ये बातें बताई गई थी कि इस जानिब गौर हो रहा है, इसलिए ये खबर आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। हो सकता है ऑफिशियली कुछ दिनों के बाद या मार्च के महीने के अंदर इस बात का ऐलान हो जाए। अब्दुल रज़ाक इस बात के हिमायती हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी और बहुत सारे सोचने वाले पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग वो इस बात को कहते हैं कि ठीक है, हम एशिया कप के अंदर इंडिया को दुबई के अंदर भी मात दे देंगे, ये सोच है लोगों की। बहरहाल आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा, आपको इस बारे में आगाह भी करते रहेंगे। वीडियो आपने देखी है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।